दस विषय के ऊपर मैं मेरा एक्सपेक्टेशन आपके सामने रखना चाह रही हूं सर, जिसको कभी ना कभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब देना ही पड़ेगा। सर खड़े होकर के जब फाउंडेशन ले कर रहे थे बजट स्पीच का, जो बजट स्पीच नहीं हुआ उसका फाउंडेशन ले करते हुए फर्स्ट इश्यू मेरा एक्सपेक्टेशन था, हाँ हाँ बजट में चर्चा करने से पहले फार्म लॉस के ऊपर ये बात बोलेंगे, ये स्पष्टीकरण देंगे कि क्यों कांग्रेस पार्टी की पोजीशन यू टर्न लिया, पहले तो इसका समर्थन देते थे अभी क्यों बदला, वो पहला है। सेकंड, फार्मर्स के इतना ध्यान देने वाले कांग्रेस फार्म लोन वेवर के बारे में बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन जीतने के लिए वायदा देते थे कि फार्म लोन दे रहे हैं हम, प्लीज वोट दे दो, जनता भी भरोसा रखकर के वोट दिलाए, मगर मध्य प्रदेश में उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। फार्मर्स आज तक मांग रहे हैं लोन वेवर क्यों नहीं हुआ, हमें वोट मांगा, वोट ले लिया, सरकार बनाने के बहाना किया, मगर सत्ता भी उनके हाथ में नहीं है, मगर फार्म लोन का गुमराह करके किसानों का बैकस्टॉप करके चले गए कांग्रेस। राजस्थान में आज भी कंप्लेंट्स है फार्म लोन्स नहीं हो रहे। मेरा एक्सपेक्टेशन था सर फार्म लोन सर कर्जा माफी राजस्थान में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, जहां भी छत्तीसगढ़ में भी कर्जा माफी नहीं हुआ। सर मेरा एक्सपेक्टेशन यही था जब वरिष्ठ नेता उठ करके भाषण देने से पहले फाउंडेशन ले कर रहे थे, कम से कम ये मानेंगे कि कर्जा माफी क्यों नहीं हुआ, उसको बयान देंगे, नहीं दिया। सर तीसरा, दस में से तीसरा मैंने सोचा वो खड़े होकर के फाउंडेशन बजट के भाषण देने से पहले ले कर रहा है, उस समय कम से कम ये बात बोलेंगे कि मैंने आदेश दे दिया पंजाब सीएम को, वो जो काला कानून है जिसके द्वारा किसान जेल में जाने वाले का प्रोविजन है, उसमें 5 लाख का फाइन का प्रोविजन है, प्रावधान है उसमें, वो दोनों को हटाने के लिए मैंने हमारा चीफ मिनिस्टर पंजाब का उनको आदेश दे करके आया हूं, ये बात पार्लियामेंट में खुलासा करेंगे, ये मैंने सोचा, मैंने एक्सपेक्टेशन रखा, मगर ना वो भी नहीं हुआ। मगर आरोप इस तीनों कानून के ऊपर, ये तीसरी बात। फोर्थ पार्ट सर, राहुल गांधी जी उस दिन जब बात कर रहे थे बजट में नहीं मगर फार्म लॉस के ऊपर, फाउंडेशन है ठीक है सुनते हैं, उस समय मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया वो कम से कम ये बात बोलेंगे कि किसान को बहुत ही दुख है, दर्द है, वो पराली के विषय में उनको बहुत ही दुख हो रही है, उसके वजह से उनको कुछ राहत दिलाएंगे कांग्रेस के सरकार के द्वारा पंजाब में, जिससे पराली वो अभी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उनको राहत दिलाएंगे, ये घोषणा करेंगे, ये भी मैंने एक्सपेक्ट किया, नहीं वो भी नहीं हुआ। सर पांचवी, मैंने सोचा नहीं नहीं बजट के ऊपर चर्चा नहीं, फार्म लॉस के ऊपर मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि हमारे तीन जो कानून है उसमें से कम एक खंड निकाल करके, एक क्रॉस निकाल करके वो बोलेंगे देखो इससे क्रॉस के वजह से किसान को नुकसान होने वाले हैं, इसीलिए हम समर्थन नहीं करेंगे, इधर वोटिंग में भाग लिया, समर्थन दिया, फिर भी अभी मन बदल दिया और इस क्रॉस के वजह से, ऐसे करके इन तीन कानून से कम एक पॉइंट दिखाएंगे कि दिस इज अगेंस्ट द फार्मर। मैंने सोचा, मैं एक्सपेक्ट किया
वो कम से कम वो बात बोलेंगे फाउंडेशन ले करने के समय, नहीं वो भी नहीं हुआ। सो फिफ्थ पॉइंट हो गया, सिक्स्थ पॉइंट में आ रही हूं। मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया कि राष्ट्रपति भाषण के समय माननीय प्रधानमंत्री जी का जवाब था, उसमें उन्होंने बहुत सारे छोटा किसान के ऊपर बात बोली। मैंने सोचा उन विषयों में, क्योंकि छोटा किसान से हम दो, हमारे दो के लिए किसान से जमीन हड़पती गए, मैंने सोचा वो खड़े होकर के ये बात बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी आपने तो स्मॉल फार्मर्स के ऊपर इतना अच्छा बोल दिया, मैंने मेरे अपना दो से बोल दिया प्लीज जमीन वापस कर दो फार्मर्स को, क्योंकि हम तो सस्ते में उनसे ले लिया, मगर ये किसान का जमीन है, हम खड़े होना है, राजनीति में है, इसीलिए राजनीति के हमारे परिवार, हम और मैं खड़े होना है, आप जमीन वापस कर दो जी। और इधर हाक करके बोल सकते थे, हम दो, हमारे दो में दामाद को मैंने आदेश दर के आई हूं कि जमीन वापस करो, नहीं किया, वो भी नहीं हुआ। मेरा एक्सपेक्टेशन वो सिक्स्थ था सर, नहीं हुआ। सेवेंथ सर, सेवेंथ मेरा एक्सपेक्टेशन, सातवीं मेरा एक्सपेक्टेशन, प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कोटेशन पढ़ाए कि उनके तरफ से भी ऐसे प्रावधान किसान के लिए होना चाहिए, ये भी बोले। मैंने सोचा उस दिन फाउंडेशन ले करने के समय बजट इंपॉर्टेंट नहीं है, किसान कानून इंपॉर्टेंट है, वो कम से कम बोले कि क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट को कांग्रेस अभी भूल जा रहे हैं, और याद प्रधानमंत्री जी ने दिलाया। मैंने सोचा कम से कम वो मानेंगे, हाँ हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसे बात किया है, आई हैव टू रेस्पेक्ट, वी विल रेस्पेक्ट नाउ, वी वोंट डिसऑनर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये कहेंगे, ऐसे मैंने एक्सपेक्टेशन रखा, मगर वो भी नहीं हुआ। सर दैट वॉज द सेवेंथ, मेरा एथ एक्सपेक्टेशन यही था, मेरा एथ एक्सपेक्टेशन। मैंने सोचा सर चर्चा के समय बजट के चर्चा के समय, क्योंकि किसान कानून बजट में भाग हो सकता है, इसीलिए बहुत सारे मेंबर्स ने यह प्रश्न उठाया, मुझे याद है मैं सुनी कि एपीएमसी देश भर में कहीं ये तीनों कानून आने के बाद बंद हुआ है क्या, कहीं बंद नहीं हुआ। मैं मेरा एक्सपेक्टेशन के साथ अभी प्रश्न भी पूछ रही हूं, प्रूव इवन इफ वन एपीएमसी मंडी वॉज शट, नॉट वन वॉज शट, बट यू आर स्टैंडिंग अप एंड स्पीकिंग। ऊपर से बजट में प्रावधान किया गया है दैट 30,000 crores विच विल बी कलेक्टेड थ्रू दैट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेस will be actually be going to the states so that APMC infrastructure can be improved. हम ऊपर से फंड भी दे रहे हैं स्टेट्स को APMC का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं बोला, मगर फाउंडेशन लेते रहा फाउंडेशन ले करते रहा, भरे नहीं और वापस चले भी गए बिना चर्चा बजट के ऊपर। सर नाइन्थ पॉइंट, ये मेरा प्रश्न है, एक्सपेक्टेशन था मगर अभी प्रश्न है, वो क्यों, वाई डस ही चूज टू इंसल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, वाई डस ही चूज टू इंसल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, क्योंकि उस दिन इधर सम्मान्य स्पीकर साहब को इंसल्ट हुआ, उनके बड़प्पन है, उन्होंने जस्ट आप लोग ने मुझे चुनकर इधर बिठाया, इसलिए प्लीज हाउस शुड गो एज पर द रूल्स ऑफ दिस हाउस, ऐसे करके बात छोड़ दिया। मगर इधर इंसल्ट, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंसल्ट वो कानून के ऊपर, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश में जब प्रधानमंत्री के नाते गए थे, उस समय उनके द्वारा पास किया गया अधिवेशन ऑर्डिनेंस को फाड़ करके फेंककर कूड़े में, व्हाई डस ही चूज टू इंसल्ट, एंड
राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद चर्चा जो हाउस में होता है वो खत्म होने के बाद भी उसी विषय के ऊपर चर्चा करना और उसी विषय को कुछ बहाने बात बोलते रहना कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड अथॉरिटीज, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तब के प्रधानमंत्री हो, आपके प्रधानमंत्री हो, कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग। ओह यस स्पीकर सर, लास्ट 10th पॉइंट सर, टेंथ पॉइंट, मेरा 10th पॉइंट सर, कंटिन्यूअसली फेक नैरेटिव्स क्रिएट करते रहे। अरे रे कोविड आ गया, पूरे भारत नुकसान में चले जाएगा, अरे रे इतने सारे लोग मर जाएंगे। मेरे पास पूरे कोटेशन है, समय समय पर जो हमारे हमारे वरिष्ठ नेता बोलते रहे, मेरे पास पूरे कोटेशन से, मैं आपके समय इसमें बिताना नहीं चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड द हाउसेस टाइम ऑन द कोटेशन, बट द सारांश इज दिस, आई विल कॉन्स्टेंटली से थिंग्स विच विल डिमीन इंडिया, विच विल शो इंडिया इन अ पुअर लाइट, एंड कॉन्स्टेंटली दैट विल बी माई रिबल लाइक लुक टू इंसल्ट इंडिया, बिल्ड फेक नरेटिव्स। Nothing will go well for India, यही कहते रहे, यही कहते रहे, और हमारे खिलाफ बहुत सारे जो kind of mischiefs, I'm using a lighter word, करने वाले देश के साथ पार्टी की ओर से, सरकार MOU नहीं, सरकार के सरकार MOU नहीं, पार्टी टू पार्टी MOU करके, जब देश का कुछ बॉर्डर में क्राइसिस होता है तब हमसे ना बात करते हुए, सरकार से, हम छोड़ो सरकार से ना बात करते हुए, उनके दूतावास से बात करके क्या हो रही है बॉर्डर में, करने वाले और कभी भी भारत देश का भरोसा ना करते हुए बाकी सबको भरोसा करने वाले, और जॉइनिंग द ब्रेकिंग इंडिया फ्रिंज ग्रुप, एक वरिष्ठ सीनियर वरिष्ठ पार्टी के नेता एक फ्रिंज ग्रुप के साथ ही बार बार पॉलिटिक्स करना, और भयंकर अब्यूस, टोटल अनएक्सेप्टेबल टर्मिनोलॉजी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड हेड्स उपयोग करते रहना, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कटाक्ष होने के बाद अपॉलोजाइज करना, मगर दोबारा वही साइकिल में अब्यूज करो अपॉलोजाइज करो, यही रास्ते पे चलना, डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज करना। आई एम वेरी स्केर्ड टू थिंक प्रोबेबली इज बिकमिंग द डूम्सडे मैन फॉर इंडिया, और हमारे दुख की बात यही है कि ऑपोजिशन जो पार्लियामेंट में स्ट्रॉन्गली पोजिशन लेकर के सरकार को खटगरे में रख के प्रश्न पूछने का रोल करने वाले ऑपोजिशन, आज डूम्से मैन के नेतृत्व में, डूम्स्टे मैन के नेतृत्व में, और डूम्स्टे मैन जो रिपीटेडली अब्यूज करता है, और देखो, और सर मैं ये बात भी बोल रही हूं, उस दिन यू कांट हैव दिस ऑब्जेक्शन, You are bound to answer. Parliament may debate on budget. Sir, let them have the strength to accept this. Debate on budget happens traditionally. Budget debate happens every year. India's free India's history may discussion on budget happens every year. I won't discuss budget. Karne wale opposition leader क्या रोल प्ले करना चाहता है, कौन सा रोल प्ले करना चाहता है? आई वॉन्ट टू आस्क ऑफ यू सर, बजट डिस्कशन हैपेंस एवरी ईयर, एंड चौधरी जी आप जरा सुनिए, राज्यसभा में जो पार्टी जिनका वरिष्ठ नेता बजट के ऊपर चर्चा करती है और प्रश्न पूछने के बाद जवाब सुनते हैं,
और उस जवाब चाहे पसंद हो नापसंद हो एक्सेप्टेबल हो या नहीं हो, फिर वो एक पोजीशन लेते हैं, वो इधर क्यों नहीं हुआ। वही पार्टी राज्यसभा में एक पोजीशन, इधर दूसरा पोजीशन, ये क्या तरीका है सर। इसीलिए मैं विद दिस 10 क्वेश्चंस आई वांट, वी विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग दैट यू वांट सर। कांग्रेस पार्टी के दो विषय में सर, प्लीज सिट डाउन चौधरी जी, टू सर टू टेंडेंसीज के साथ मैं खत्म कर रही हूं। दो टेंडेंसी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। एक है ये जो फेक नरेटिव्स का टेंडेंसी है, हमने क्रिएट किया है मनरेगा, हमने ये किया, हमने, आखिर आप ही उसमें कुछ मन नहीं रखे, उसको आगे बढ़ाने में एफिशिएंट नहीं है। अलोकेशन एक है, आखिर यूटिलाइजेशन कम है। ऐसे ही हर स्कीम में अपने के लिए कुछ देखने का आदत एक टेंडेंसी है, उसमें क्रोनी कैपिटलिज्म भी उसमें सिस्टम। हमने बैंक को नेशनलाइज किया, मगर पूरे बैंक को उपयोग फोन बैंकिंग के द्वारा करके एनपीए छोड़कर चले गए, ये है उनके टेंडेंसी। दिस इज वन टेंडेंसी ऑफ क्रिएट इंस्टीट्यूशन, मिसयूज देम, यूज इट फॉर आवर ओन, हम दो हमारे दो, एंड एंड ऑफ द डे कीप अक्यूजिंग अदर्स, दैट इज वन टेंडेंसी सर। एंड द सेकेंड टेंडेंसी इज हम जो भी कहेंगे कहेंगे पार्लियामेंट में, आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस डालेंगे, आपके ऊपर अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज करेंगे, मगर आप जब सिस्टम के तहत खड़े होकर के पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देने के लिए खड़े होते हैं, सुनने को तैयार नहीं है। अभी जैसे हो रही है, कभी भी डिस्टर्ब करो, चिल्लाते रहो या तो वॉकआउट करो, वही हुआ बजट डिबेट में। इसीलिए दो टेंडेंसीज कांग्रेस पार्टी का हमने पहचानना चाहिए, पहचानना चाहिए, और इससे यह स्पष्ट होता है उनका बिलीफ इन डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम इज कंप्लीटली खत्म। धन्यवाद।